अभिव्यक्ति के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। साहित्य, कला और संस्कृति के इस बुलेटिन में इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं, जगमग दीपों की दिवाली कैसे बनी, रंग बिरंगी इलेक्ट्रॉनिक रोशनी की दिवाली, क्या इको फ्रेंडली के शोर से बदल पाएगी सुंदर दीपक बनाने वालों की तकदीर, कथक तो कथक है, इसे घरानों में बांटना उचित नहीं है। बात मुलाकात में मशहूर नृत्यांगना पद्मश्री शोभना नारायण ने तमाम मुद्दों पर खुलकर रखी अपनी राय, और कहीं सितार ने बांधा समा तो कहीं नाटकों और संगीत महोत्सवों में दिखे संस्कृति के कई रंग। इस बार हम अपनी कवर स्टोरी में बात करेंगे मिट्टी के उन हुनरमंद कलाकारों के बारे में जिनकी बदौलत लंबे समय से हमारी दिवाली जगमगाती रही है, हमारे घर रोशन होते रहे हैं। लेकिन बदलती तकनीक के साथ, बदलते वक्त के साथ उनकी हालत क्या है, इको फ्रेंडली के शोर ने उनकी किस्मत कितनी बदली, इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। ये मौजूदा दौर की दिवाली है। अब हम अपने घरों को सजाने और उन्हें जगमग करने के लिए दिए का नहीं, रंग बिरंगी चाइनीज बल्बों का इस्तेमाल करते हैं। न तेल का चक्कर, न मिट्टी के दिए टूटने का खतरा, और न ही कुछ ही देर में बुझ जाने का अंदेशा। लेकिन दिवाली की इस सजावट और रोशनी के इस नए इलेक्ट्रिक चलन ने हम सब के भीतर से उत्सव की तैयारियों का जज्बा जैसे खत्म कर दिया है, आपसी रिश्तों की आत्मीयता खत्म कर दी है, और साथ ही अपने घर को पूरे लगन से सजाने की ललक को भी कम कर दिया है। अब ना घरौंदे बनते हैं, न दीपों से दिवाली बनती है। फटाफट लाइट्स लगाइए और कई दिनों तक अपने घर को रोशन रखिए। न तेल खत्म होने की आशंका, न मिट्टी के दियों को सहेजने तैयार करने का झमेला। लेकिन आजकल इको फ्रेंडली और पारंपरिक तरीके से दिवाली मनाने का बहुत शोर है। संस्कृति की दुहाई देते हुए इस तरह के संदेश दिए जाते हैं। चाइनीज लाइट्स पर रोक लगाने के अभियान भी चलते हैं, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि इसके बावजूद दियों को लेकर अब भी कोई खास आकर्षण नहीं पैदा हो रहा है, और लाइट्स का कारोबार हर साल लगातार बढ़ रहा है। सब चाइनीज बिक रहा है, कुछ अपने वहाँ का बना हुआ झालर है वो बिक रहे हैं। दोनों की मिली जुली डिमांड है। इंडियन भी बिक रहा है। अगर दाम की बात की जाए तो कैसे, क्या रेट बिक रहे हैं? सब 15 रुपए से 200 रुपए तक, 250 रुपए तक है सर, जैसा क्वालिटी वैसा रेट। ऐसे में अपनी मेहनत से दिए बनाने वाले उन दियों में नए नए डिजाइन बनाकर उन्हें खूबसूरत तरीके से बाजार में उतारने को मजबूर हुनरमंद कलाकार गंभीर संकट झेल रहे हैं। दिए महज पूजा की परंपरा निभाने के नाम पर बिकते हैं और उनका बाजार बेहद मंदा पड़ा रहता है। 60 रुपए सौ बिकते हैं, 80 रुपए सौ नहीं बिक पाते हैं, इसलिए क्या कमाई इसमें नहीं है, काफी दिक्कत है हमको, बहुत मजबूरी में हम काम करते हैं, क्या करें। दिल्ली हो, जयपुर हो या भोपाल, हर जगह दियों का बाजार मंदा है और कारीगर परेशान। अब वो भी अपना काम छोड़कर किसी नए कमाऊ धंधे की तलाश में है। बदलते वक्त की यही दिवाली है। आर्थिक मंदी से देश बेशक कराह रहा हो, लेकिन दिवाली तो मनानी है, चाहे दियों से मनाएं या फिर लाइट से। अब भला किसके पास वक्त है कि दिए जलाएं? तो बदलते वक्त के साथ ये इंस्टेंट दिवाली आपको भी मुबारक। और अब आपको दिखाते हैं अलग अलग शहरों में हुई साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की एक झलक अपने खास सेगमेंट परिक्रमा में। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहे 10 दिवसीय लोक रंग समारोह का स्वर लहरी की शानदार प्रस्तुति के साथ समापन हो गया। जवाहर कला केंद्र के महानिदेशक फुरकान खान के निर्देशन में आयोजित इस प्रस्तुति में 40 से ज्यादा लोक वाद्य यंत्रों ने जब एक साथ समवेत स्वर में प्रस्तुति दी तो वहां मौजूद संगीत प्रेमी रोमांच और आनंद से भर गए। प्रस्तुति में सारंगी, कमायचा, खड़ताल, मोरचंग, पूंगी, अलगोजा,
महाराष्ट्र की नाल एवं दिमड़ी, ढोलकी, ढोलक, ढपली, पंजाब का चिमटा, कैंची एवं ढोल, अलवर का भपंग, मटका, गोवा का घूमट, मणिपुर का पुंग, गुजरात का मुसेंडो, कर्नाटक का थंबाटे और ताशा जैसे लोकवाद्य शामिल किए गए थे। प्रस्तुति के दौरान बीच बीच में अलग अलग वाद्यों की जुगलबंदी देखने लायक थी। कार्यक्रम में जब विभिन्न राज्यों से आए 200 से ज्यादा कलाकारों ने लय से लय मिलाते हुए नृत्य किया तो दृश्य देखने लायक था। इससे पहले 10 राज्यों के 13 लोक नृत्यों की भी दिलकश प्रस्तुति हुई। गाजियाबाद में हुए मीडिया 360 लिटरेरी फाउंडेशन के कथा संवाद में जाने माने रचनाकार और कला समीक्षक डॉक्टर हरीश राय ने कहा कि नवाकुरों के पास कहानी को लेकर कई सवाल होते हैं। अपने अनुभव के बूते वह कहानी तो लिखना चाहते हैं, लेकिन शिल्प, विन्यास और भाषा के प्रयोग से अनजान होते हैं। कथा संवाद जैसे आयोजन के जरिए वो कहानी गढ़ने का हुनर हासिल करते हैं। इस कथा संवाद में वंदना जोशी, मनुलक्ष्मी मिश्रा जैसे युवा कथाकारों की कहानियां पढ़ी गईं। रवि पाराशर, सुभाष चंदर, डॉक्टर धनंजय सिंह, सुभाष अखिल, अमरेंद्र राय, गोविंद गुलशन, उमाकांत दीक्षित और आलोक यात्री समेत कई लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन किया लेखक प्रवीण कुमार ने। संगम नगरी प्रयागराज में रामलीला में होने वाले नए नए प्रयोगों के दौरान उर्दू और लोक नृत्यों के जरिए रामलीला की प्रस्तुति हुई। शहर के उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित 1.5 घंटे की रामलीला के जरिए भाषाई सौहार्द पैदा करने की कोशिश की गई। जाने माने निर्देशक दानिश इकबाल की मशहूर प्रस्तुति दास्ताने राम में अभिनय की बारीकियों के साथ साथ लोक नृत्यों का भी बेहतरीन संगम देखने को मिला। इंडियन मुस्लिम्स का जो कनेक्ट है वो हम लोग और जो हमारी श्रद्धा, जो भी हमारा प्यार हो सकता है राम से, वो हमने कोशिश करी है इसमें लाने की। आई थिंक दिस प्ले इज देयर टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी, बिकॉज थोड़ा रिसेंटली जिस तरह की खबरें आई हैं और जिस तरह से लोगों को सॉर्ट ऑफ एक अनकम्फर्टेबल सा एटमोसफेयर हो गया था हाल फिलहाल में, हम सबको पता ही है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत नेसेसरी है कि हम लोग इस तरह की चीज़ें करते रहें। और आर्टिस्ट और प्लेज और थिएटर और आर्ट का जो भी मीडियम होता है, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं इंटरप्रेट करने के, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक आर्ट को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते हैं। इस लीला में कानपुर की शाफना रहमान सीता के किरदार में थी, तो वहीं प्रयागराज के मोहम्मद अदनान लक्ष्मण के किरदार में। इस संगीत में उर्दू रामलीला में शास्त्रीय और लोक नृत्यों की जुगलबंदी भी बेहद खास रही। भरतनाट्यम के अलावा कथक और छऊ लोक नृत्य का मिश्रण हर किसी के लिए मोहक और यादगार रहा। बेंगलुरु में गांधी जी की याद में एक भव्य संगीत समारोह हुआ। सुर संजीवनी नाम से आयोजित इस समारोह में पुरबायन चटर्जी के सितार वादन ने सबका दिल जीत लिया। पुरबायन ने जब राग हेमंत में सितार की धुन सुनाई तो लोग मानो संगीत की एक नई दुनिया में चले गए। मशहूर रंगकर्मी प्रसन्ना के अभियान देसी और चरखा के लिए आयोजित इस शो में पुरबायन का साथ दिया पंडित तन्मय बोस ने। नवोदित कलाकारों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए भोपाल की एक्सटेसी आर्ट स्टूडियो संस्थान ने स्वराज भवन में तस्वीर 2019 आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया है। इसमें 29 कलाकारों की पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं। इनमें ऑयल पेंटिंग से लेकर एक्रिलिक पेंटिंग और इंडियन आर्ट से लेकर यूरोपियन आर्ट तक सब शामिल हैं। वहीं यूनिसेफ ने भी भोपाल के राज्य संग्रहालय में चाइल्ड प्रोटेक्शन पर केंद्रित चित्रों की प्रदर्शनी अनुभूति लगाई है। ये नए जमाने का थिएटर है, अलग और एक्सपेरिमेंटल।
बिना कुछ बोले ही बॉडी लैंग्वेज से व्यूवर्स को अपनी बात समझा देना। विक्रम मोहन इंटरनेशनल थिएटर सर्किल में जाना माना नाम है। उन्होंने जब डांस और एक्टिंग का एक्सपेरिमेंट सामने रखा तो लोग देखते रह गए। मैंने ब्लैक बोर्ड को इस्तेमाल किया, जिसमें जो लोग अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अंदर रहते हैं, जो जेंडर, सोशल और पॉलिटिकल, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो बोर्ड पे लिखते हैं, उसके बाद मेरे शरीर को टच करते हैं। मेरा बिलीव है जब मेरी बॉडी को टच करते हैं तो वो जो लिखते हैं उनके अंदर जो इमोशन चल रहे होते हैं वो मेरे में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद दिल्ली रंगमंच के युवा कलाकारों ने अपने अभिनय का मुजाहिरा किया। जैसी करनी वैसी भरनी नाटक के जरिए युवा कलाकारों ने स्वच्छता अभियान की अहमियत पर रोशनी डाली। आयोजन के पहले दिन की खासियत थी नेटफ्लिक्स के सेक्रेट गेम्स फेम के जतिन सरना और सीनियर पत्रकार इरफान से बातचीत। इस फेस्टिवल के पहले दिन प्रेमचंद की क्लासिक कृति भाई साहब का भी मंचन हुआ तो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए नाटक परफेक्ट वेडिंग ने लोगों को गुदगुदाया भी। रानी ने राजा से कहा, महाराज कोई उपाय कीजिए जिससे हमें संतान का सुख प्राप्त हो। दिल्ली से अंशु सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। शोभना नारायण एक ऐसा नाम जिसने कथक को एक नई ऊंचाई दी, एक नया आयाम दिया। 2.5 साल की नन्ही सी उम्र से ही उनके पैर थिरकने लगे और आज करीब 70 साल की उम्र में भी उनका बदस्तूर कथक के प्रति वही लगाव, वही प्रेम और वही निष्ठा बरकरार है। शोभना नारायण फिजिक्स और मैथमेटिक्स की टॉपर रही हैं और सिविल सेवा में कई अहम पदों पर भी रही हैं। उनके पति ऑस्ट्रिया के डिप्लोमेट रहे हैं। इन तमाम आयामों के बीच कथक उनकी ज़िंदगी है। शोभना नारायण से हमने तमाम सवालों पर बात की अपने खास सेगमेंट बात मुलाकात में। हमारे इस खास सेगमेंट बात मुलाकात में आज हमारे साथ हैं जानी मानी नृत्यांगना, कथक को एक नई ऊंचाई देने वाली और पद्मश्री शोभना नारायण जी। शोभना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आप बचपन से कथक करती आई हैं, आपको इसकी प्रेरणा शुरुआत कहाँ से मिली? जब मैं बहुत ही छोटी थी, मेरे पिताजी और माता जी कहते थे कि हर जैसे बच्चे में ऊर्जा होती है तो मेरे में भी बहुत ऊर्जा कि अब मैं, माँ अब मैं क्या करूँ, माँ अब मैं क्या करूँ, तो कह रही थी तुम्हारे माँ मैं अब मैं क्या करूँ से इतनी थक गई थी कि चलो नाचो। तो लेकिन वो तो मजाक का था, लेकिन वो ही मुझे ले गई साधना बोस जी के पास, जो उस ज़माने की बहुत ही मशहूर डांसर एक्ट्रेस थी। और मेरा जन्म कलकत्ते का है क्योंकि मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे। और फिर वो भी मेरा साइज़ देख करके इतना घबरा गई और बंगाली में कहने लगी कि तुम गोद का बच्चा मेरे पास लेकर आई हो। लेकिन फिर मुझे कहा जाता है कि वो गोद का बच्चा उनको, उनका सबसे प्यारा बच्चा हो गया था और उन्होंने खूब मन से सिखाया। मेरे पिताजी उसके बाद तो बॉम्बे उनका तबादला हो गया था, तो वहाँ गुरु कुंदन लाल सिसोदिया उनसे शिक्षा मुझे मिली। और जब मेरे पिताजी का तबादला दिल्ली हुए तो फिर हम यहाँ जब दिल्ली आए तो पंडित बिरजू महाराज जी से, तो और उस समय तो बहुत ही, और मैं कहूँगी कि हमारे तीनों गुरुओं ने बहुत कुछ दिया है। अगर एक ने ता थे तत् सिखाया, शुरुआत किया और मूवमेंट सिखाए, तो हमारे दूसरे गुरु ने कथक की जो टेक्निकल इंट्रिकसीज है उस पर जो है पूरा ध्यान दिया। और जहाँ तक महाराज जी का सवाल है कि उसमें कैसे रमना चाहिए, हर एक एस्थेटिक मूवमेंट की जो एस्थेटिक है उसकी उसकी अपनी भावना है, अपनी बॉडी की आकृति में कैसे ढालना चाहिए, उसको मनन उस पर कैसे करना चाहिए, और हर एक मूवमेंट आँख कहाँ जाना चाहिए ये जान, और फिर वो उनसे पूरी जो एक बारीकियाँ जो थी
उन्होंने बहुत खूब किया, कलाएँ किस तरह से मूव करना चाहिए इस तरह से। लेकिन आपने कथक का जो ट्रेडिशनल फॉर्म था, जो एक उसमें जो कथा कहने की जो शैली थी और जो कथ्य होता था ख़ास तौर से, वो आध्यात्मिक और वो तमाम चीज़ें, उसको भी आपने बदला काफ़ी। आपने टैगोर को भी किया, आपने दिनकर को भी किया, बहुत सारे ऐसे कवियों को जो हिंदी साहित्य से अगर आप जोड़ें, तो आपने कथक को एक नए फॉर्म में पेश करने की कोशिश की, ये आपने कैसे? पहले हमारे यहाँ ठुमरी की रिवाज जो है, ठुमरी पर अभिनय करना, ये तो पिछले 200-300 सालों में आया है। उसके पहले तो हम ध्रुपद अंग पर अपनी अभिनय पेश करते थे और उसको, और फिर और वो, और हमेशा आया कि हमारे जो जितने भी कवि हैं उनके संगीत और उस उनकी रचनाओं पर नृत्य करते थे। जैसे टैगोर और दिनकर जी, ये भी तो कथानक ही है, क्योंकि अगर मैं दिनकर की, अगर जैसे रश्मि रथी कर रही हूँ, कर्ण कर रही हूँ, तो वो भी तो कथ्य ही है। सिर्फ है कि मैंने कृष्ण राधा को ना लेकर के, ठुमरी में कृष्ण राधा है, या अगर शिव पुराण से लेती हूँ तो शिव और पार्वती हैं या देवी हैं, उनको एज अ सेंट्रल कैरेक्टर ना लेकर के कर्ण को एज अ सेंट्रल कैरेक्टर लिया। जिस तरह से मैंने मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा किया, 1979 से करती आ रही हूँ, तो उसमें यशोधरा चीज़ तो वही है, भाव तो वही है, सिर्फ किरदार बदल जाते हैं, नाम, किरदारों के नाम बदल जाते हैं। जब कथक पर रिसर्च कर रही थी, मैंने कहा ना कि शायद वो फिज़िक्स मेरा बैकग्राउंड था, घर में वो एक माहौल था कि मनन करने का, कि हर चीज़ को आप एकदम एक्सेप्ट गए, लेकिन उस पर मनन कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए लेकिन मनन के साथ, और उसमें एनालाइज कीजिए, रीज़न कीजिए और फिर अपनाइए। तो आपने अभी फिज़िक्स की बात की, वही मैं आने वाला था कि फिज़िक्स और मैथमेटिक्स आपके बहुत प्रिय सब्जेक्ट रहे, और आपने फिज़िक्स में शायद PhD भी की, और कंप्लीट नहीं किया था लेकिन ये दो एकदम से अलग अलग धरातल हैं, एक शास्त्रीय नृत्य है और दूसरा एकदम से एक फिज़िक्स की थ्योरीज जिससे लोग दूर भागते हैं तो कैसे इसमें आपने तालमेल बनाया? जीवन में हर जगह फिज़िक्स ही फिज़िक्स मिलेंगे। अगर मैं अगर कहूँ कि अगर हम लोग जैसे कथक में अगर भ्रमरी लेते हैं, चक्र, तो उसमें पूरा ही फिज़िक्स का प्रिंसिपल्स आ जाते हैं कि कितना टॉर्क है, कितनी वेलोसिटी है, कौन सी एंगुलर मोमेंटम है, तो अगर आप उसका विश्लेषण करें तो आपको फिज़िक्स हर जगह, जीवन के हर जगह पर मिलेंगे। वो रही बात अलग, फिर एक और है कि जब हम लोग तोड़े टुकड़े कर रहे हैं, उसमें क्या मैथमेटिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, और वही है मैथमेटिक्स उसमें। तो दोनों अलग नहीं है, सिर्फ हमने उसको अलग अपने दिमाग में अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है, लेकिन वैसे जीवन का ही हिस्सा है और कथक का भी हिस्सा है। आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की होगी, फिर आपने एक बड़ी अधिकारी थी आप जी। तो इस दौरान भी जैसे नौकरी, सरकारी नौकरी और बड़े ओहदे पे रहते हुए अपने नृत्य को लगातार कंटिन्यू करना, ये सब दो तीन बहुत चुनौतियों भरा काम था, उसको कैसे किया? मेरे लिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुश्किल था, क्योंकि बचपन से ही एक तरह से आप कहिए कि दोहरी जिंदगी जी रही थी। एक तरफ हमेशा डांस था, क्योंकि डांस, नृत्य और कथक मेरे लिए मेरी आत्मा थी, मेरी सांस थी। तो अब आप अपने आत्मा और सांस के से तो अलग नहीं रह सकते, और दूसरी तरफ पढ़ाई थी तो वो, और मुझे ये था कि मैं क्लास में खूब अच्छा नंबर ले आऊँ, तो भगवान की दया से हमेशा फर्स्ट ही टॉप करते आ रहे थे, तो उसमें भी अपनी एक, और यहाँ भी अच्छा करना था, तो फिर एक वो आदत सा बन गया था। सिविल सर्विस में है कि तो उस समय फिर आप जब आप, आपका नाम भी हो जाता है एज एन एस्टैब्लिश्ड डांसर, सिविल सर्विस एंट्री करने के पहले ही एज एस्टैब्लिश्ड डांसर, जीवन एक जिग्सॉ पज़ल की तरह है, ऐसा लगता है कि वो उसमें पैटर्न नहीं बनेगा, लेकिन जब आप उसको कॉन्सेंट्रेशन और लगन के साथ करें और एक पैशन के साथ करें, तो फिर वो सब कुछ बैठ जाता है और वो उसकी पैटर्न अपने आप निकल आती है। तो थोड़ा सा पर्सनल
उस पे आते हैं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन एम्बेसडर और आप, कैसे एक रिश्ता बना? ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। और अगर एक मजे की बात बताऊं, मार्च 79 में मैं साउथ ईस्ट एशिया का टूर कर रही थी, ICCR का टूर था, और सिंगापुर में जब हम थे तो वहाँ एक शख्स मिले जो बहुत अच्छा हाथ देखते थे, तो उन्होंने ऐसे कहा, मेरा हाथ ऐसे देख करके कहा कि, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि मैं किसी फॉरेनर से शादी करूंगी जो बहुत ही हाईली प्लेस्ड है। मैं हंसने लगे और मैंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, मैं ऐसी खांटी हिंदुस्तानी हूँ कि मैं तो बाहर तो शादी नहीं कर सकती। लेकिन वो उनकी बात सही हुई मेरा, क्योंकि 79 दिसंबर में उनसे मुलाकात हुई, फिर उसके बाद फिर 1982 में हम दोनों की शादी हुई। आपने भी पूरी दुनिया देखी, जगह जगह गई, वहाँ इंडियन कल्चर, इंडियन डांस, इंडियन ट्रेडिशन को किस तरह से लोग लेते हैं, जो कि अब क्या वाकई हिंदुस्तान में वैसी स्थिति है, इन दोनों के फ़र्क को आप कैसे देखें? मैं यहाँ कहूँगी कि जब हम बाहर जाते हैं, लोग हिंदुस्तानी कल्चर वगैरह को बहुत तवज्जो देते हैं और बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये होता ना कि, लेकिन हमारे घर में, अब मैं शास्त्रीय कल्चर की बात कर रही हूँ, शास्त्रीय नृत्य और संगीत कला की बात कर रही हूँ, वहाँ वो मायके सिंड्रोम आ जाता है कि अब आप मायके में हैं तो फिर सब कुछ फॉर ग्रांटेड होता है। कोई भी कला पनपती है, इवॉल्व होती है, वो किसी मिट्टी की खुशबू के साथ पनपती है। मैं अब एक बार कथक के ट्रेडिशन पे आता हूँ कि कथक के जो तीन घराने हैं, बनारस, लखनऊ और जयपुर, और एक और भी आजकल लोग बात करते हैं, रायगढ़। तो ये जो तीन चार घराने कथक के हैं, इनमें मूल रूप से आपको क्या फर्क लगता है, और ओरिजिनली आप किसको मानती हैं कि वो सबसे पुराना है? कहना बहुत मुश्किल है कि ओरिजिनली कौन सबसे पुराना है, बिटवीन पर्टिकुलरली बनारस, लखनऊ बनारस और जयपुर वगैरह में। सभी घरानों की अपनी अपनी मत होती है, उनकी अपनी अपने ख्याल हैं, और मैं सबका रिस्पेक्ट देती हूँ, सबको आदर देती हूँ। लेकिन ये कहना है कि फलाना घराना, फलाना घराना, फलाना घराना, ये मैं उससे ज़रा, मैं थोड़ी सी, मतलब कथक सिर्फ कथक है, हाँ, किसी घराने में इसको बांटना ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं 50s और 50s और 60s की संदर्भ में कह रही हूँ, तब फर्क महसूस होता था, लेकिन आज क्योंकि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया और सब लोग एक ही छत के नीचे भी सिखाए जा रहे हैं, अलग अलग घरानों की तालीम हो रही है, कि ऑटोमेटिक ना चाहते हुए भी आप इम्बाइब कर लेते हैं दूसरे घराने की चीज़ें। तो आज का आप कथक देखिए, कोई भी घराने, आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। अब आते हैं बॉलीवुड पे। जी, बॉलीवुड फिल्मों में ज़्यादातर कथक का इस्तेमाल होता रहा है, और बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल फिल्में बनी, उमराव जान ले लीजिए, पाकीज़ा ले लीजिए, कोई भी, उसमें आपको क्या लगता है कि कथक का इस्तेमाल सही तरीके से बॉलीवुड फिल्मों में हुआ? बिल्कुल नहीं। बहुत कम फिल्म्स हैं जो कि सही डिपिक्शन के, बहुत ही कम हैं, लेकिन ज़्यादातर फिल्म्स ने इस तरह से कथक को डिपिक्ट किया है कि उससे एक दिलो दिमाग में कुछ और इसकी जो है छाप, इमेज में बैठ गई है। उसमें आपको कथक की खुशबू मिलेगी, लेकिन उसको आप कथक नृत्य नहीं कहेंगे, खुशबू तो मिलेगी। आज की नई जो पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, उनके भीतर कथक को लेके क्या आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि हाँ, वो सीखना चाहते हैं कथक, और जो आपका जो आने वाला वक्त है उसमें कथक के इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने की जो कोशिश? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हमेशा शास्त्रीय नृत्य का हमेशा लिमिटेड ऑडियंस रहा है, लिमिटेड ये, आज भी ये जो मॉडर्न यंग लड़कियाँ हैं, छोटे छोटे, ये कोई भी शास्त्रीय नृत्य
वो कथक हो या भरतनाट्यम हो या ओडिसी हो या कुचिपुड़ी हो फलाना ढिकाना जो भी हो, जो भी वो एक दिन कि आपने 10 दिन का वर्कशॉप किया और सीख के और डांसर बन गए, ये हो ही नहीं सकता। उसमें सालों की मेहनत, सालों का और बहुत खून पसीना बहाना पड़ता है। तो वो अब इस जो ये डेडिकेशन मांगता है, ये साधना मांगती है, ये बहुत लोग उससे भाग जाते हैं, जो कि आज करके थोड़ा सीख करके कल फलाने शो में डांस करना ये वो, तो उनकी रवैया ही अलग है। तो वो तो, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि इनमें से इतने लोग हैं, बच्चे हैं, कि नियमित रूप से आते हैं, सीखते हैं और आगे। अभिव्यक्ति में इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ और कुछ खास गतिविधियों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।